आज हम बनाएंगे चूर चूर नान, वो भी आलू की स्टफिंग वाली। सो गाइस, ये नान जितनी अच्छी लग रही है देखने में उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये खाने में। सो आप चाहे तो आप किसी भी सब्जी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू माय किचन। रानागल लाइफस्टाइल चैनल पर नए हो सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। सो चलो बनाना शुरू करते हैं नान। सो नान बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। तो यहाँ पर मैंने एक कप, लगभग एक बड़े कप मैदा लिया है, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2/3 कप मैंने लिया है यहाँ पे आटा। सो आप चाहें तो आप खाली मैदा का भी बना सकते हो या खाली आटे से भी बना सकते हैं नान। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं, और नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। मैंने यहाँ पे इसमें डाला है घी, और घी को मैंने पहले गर्म कर लिया था। आप चाहें तो आप इसमें कोई भी रिफाइंड ऑयल वगैरह भी डाल सकते हैं। सो अब हम इसमें डालेंगे दही। सो मैं यहाँ थोड़ा खट्टा दही यूज़ कर रही हूँ। ये जो हम इसका डो बनाएंगे, इसका जो आटा बनाएंगे, हम गूथेंगे उसको, हम दही में गूथेंगे, हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके हम दही डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरीके से लगा लेंगे। अगर हम एक साथ सारे दही डालेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा आटा। तो जितनी ज़रूरत हो उतनी ही हिसाब से आप अपने आटे को इस तरीके से गूथ लीजिए। आप देख सकते हैं इस तरह का आपको रखना है, ना ज़्यादा पतला करना है आटे को और ना ज़्यादा टाइट रखना है। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपके आटे की होनी चाहिए। और अब हम इसको ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के। अब हम इसके स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने लिए हैं 4 मीडियम साइज के आलू। इसमें मैंने हरी मिर्ची काट ली है, और हरा धनिया काट कर लिया है, और इसमें डालूंगी मैं स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ची पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, और अगर आपको पसंद नहीं है तो नहीं भी। और अगर आपको प्याज पसंद है तो आप इसमें प्याज भी कट करके डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अजवाइन भी इसमें ऐड की है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, और आलू की इस तरीके की पिट्ठी बना लेंगे। सो इस तरीके का हमारा पेस्ट आलू का तैयार है। हमारा अब आटा देख लेते हैं, 10 से 15 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा इस तरीके का है। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून मैं यहाँ घी ऐड कर रही हूँ, और घी डालने के बाद हम इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। सो आपको इस तरीके से नीट कर लेना। आप देख सकते हो हमारा आटा कितने अच्छे से लग गया है, आटा हमारा रेडी है। और अब हम करते हैं अपने नान की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे चकले पे डाल लिया है थोड़ा सा सूखा आटा, डस्ट कर लिया है, और अब मैंने एक बड़ा लोया बनाया है। आप मैदा के नान बना रहे हैं तो मैदा आप डस्टिंग अच्छे से कर लीजिए। और अब हम इसको बेल लेंगे। सो आपको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है रोटी को, थोड़ा मोटा साइज़ में ही रखना है। सो आप देख सकते हो धीरे धीरे करके आप अपनी जो रोटी है उसको बेल लीजिए। और रोटी बेलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अपनी आलू की स्टफिंग। सो आप देख सकते हो इस तरीके से आप आलू की स्टफिंग उसमें डाल लीजिए। और अब हम इसको कर रहे हैं फोल्ड। सो इस तरीके से आप उसको दोनों हाथों की हेल्प से अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। अब जो हमारा जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम उसको हटा देंगे इस तरीके से, ज़्यादा हमें आटा इसमें नहीं लेना है। और अब हम इसको हल्का सा इसमें फिर से आटा लगाएंगे, और आटा लगाने के बाद हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। सो आपको हल्के हल्के हाथों से इसको बेल लेना है। आप चाहे तो जो भी आप शेप देना चाहते हैं अपनी नान को दे सकते हैं, चाहे गोल बना सकते हैं, या फिर जो भी आप शेप, जैसे नान वाली शेप होती है उसमें भी आप बेल सकते हैं। तो इस तरीके से बेल लीजिए। और बेलने के बाद अब हम इसमें लगा रहे हैं थोड़ा सा घी, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी लगाया है। उसके बाद मैंने जो हरा धनिया चॉप किया था, बारीक हरा धनिया, वो हम इस पर लगा देंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पास अगर तिल अवेलेबल है तो आप तिल भी लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में भी, और टेस्ट भी अच्छा आता है। सो हल्के हल्के हाथों से मैंने उसको प्रेस करके दबा दिया है, और अब मैंने इसको पलट लिया, और पलट के मैं इस पर लगा रही हूँ पानी। सो इस तरीके से पानी लगा लीजिए। पानी हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे जो हमारा जो नान है वो तवे पर अच्छे से चिपक जाए। और अब हमने एक लोहे का तवा लिया है, और तवे को हमने गरम कर लिया है अच्छे से। तवा हमारा अच्छे से गरम हो गया है, तो हमने उस पर डाल दिया अपना नान। सो इस तरीके से जहाँ से हमने, जिस साइड हमने पानी लगाया है उस तरफ से आपको तवे पे डालना है, और जिस तरफ से आपने इस पर अपना धनिया लगाया उसको ऊपर रखना है। तवा अच्छे से गरम हो गया, एक साइड से सिक गया। अब हम इसको पलट लेंगे तवे को, और पलट के धीरे धीरे से हल्की हल्की फ्लेम उस पर लग जानी चाहिए, और हल्के हल्के से हम इसको सेक लेंगे। सो इस तरीके से आप सेक लीजिए। हल्का हल्का गोल्डन स्पॉट्स हमारे नान पे आने लगा है। सो इस तरीके से आप सेक लीजिए, और आप देख सकते हो कितना अच्छा सा नान हमारा बन के रेडी हो गया है। और मैं आपको इसको पलट के दिखा रही हूँ कि दोनों ही साइड से कितने अच्छे से हमारा नान सिक गया है। सो
बहुत ही हल्के हल्के हाथों से आप इसको तवे से हटा लीजिए। देख सकते हो कितने अच्छे से दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। लेकिन आपको इसको और थोड़ा क्रिस्पी करना है तो आप इसको फ्लेम पे अच्छे से और सेक सकते हैं। सो इस तरीके से आप अगर सेकेंगे तो ये और अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। सो नान हमारा बन के रेडी है और अब मैं इस पर लगा रही हूँ थोड़ा सा घी, और आप चाहे तो इस पर मक्खन भी लगा सकते हैं और गर्म गर्म ही इसको सर्व कीजिए। चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं और चाहे तो इसको किसी भी सब्जी के साथ, पनीर के साथ या किसी भी सब्जी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। सो झटपट बन के तैयार हो जाता है ये नान। सो कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए बिना मत जाना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। थैंक्स फॉर